साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड की कुसमुंडा परियोजना में आउटसोर्सिंग के काम विभिन्न ठेका कंपनियों को मिले हुए हैं। इनमें नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है। परियोजना प्रभावित भूविस्थापितों ने दूसरे राज्य के लोगों को यहां पर काम देने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। इन लोगों ने मांग की है कि प्रावधान के अंतर्गत उन्हें यहां पर काम मिलना चाहिए। साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड कुसमुंडा परियोजना में ओवरबर्डन से लेकर ट्रांसपोर्टिंग और दूसरे कार्यों को आउटसोर्सिंग पर दिया गया है। ग्लोबल टेंडर के आधार पर SSCL की इस परियोजना में नीलकंठ को जिम्मेदारी मिली है। अपना कामकाज करने के लिए उसने श्रमिकों का नियोजन किया है। इस मामले में स्किल पर जोर देने की कोशिश की गई है। इसी बात को लेकर आए दिन विवाद खड़ा हो रहा है और गतिरोध भी उत्पन्न हो रहा है। SSCL कुसमुंडा के आसपास के प्रभावित गांव के कई लोगों ने नीलकंठ के कैंप पर धाबा बोलने के साथ वहां पर काम करने वाले श्रमिकों से पूछताछ की। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि रोजगार मांगने पर उनकी ऋण पुस्तिका और कई दस्तावेज ले लिए गए हैं और चक्कर कटवाए जा रहे हैं। इन लोगों का यह भी सवाल है कि क्या नीलकंठ जिस प्रकार से हरकत कर रहा है उस स्थिति में यहां पर नियमित नौकरी देने की व्यवस्था की जा रही है। कोरबा जिले में साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं में बहुत सारे कामकाज ठेके पर दिए गए हैं और इन्हें करने के लिए कंपनियों के द्वारा विभिन्न राज्यों से श्रमिकों का नियोजन कराया गया है। कोरबा जिले में अलग अलग यूनियन से संबंधित लोग रोजगार के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं और इन्हीं कर्म से आए दिन विवाद हो रहा है तथा कोयला उत्पादन पर भी इसका असर पड़ रहा है।